आज एक अनबॉक्सिंग करेंगे। ये फायरबॉल्ट निंजा 2 मैक्स, ये एक स्मार्ट वॉच एक गिफ्ट मिला है, तो इसका जो अनबॉक्सिंग करेंगे तो हम अमेजन से आया था। और ये एक चार्जर दिया है, पावर केबल, इसका थोड़ा अलग टाइप का इधर मैग्नेट है, सो इसका चार्जिंग ये यूएसबी केबल आप लगा सकते हो। देखते हैं कैसा आया है ये वॉच। देखिए ये इस टाइप का वॉच आया है। इसका स्क्रीन साइज 1.5 इंच का है ये। और इसका जो प्राइस है ये है 2000, इसका प्राइस है। ये देख सकते हैं ये इस टाइप का, इसका स्क्रीन में आपको डिस्प्ले दिखेगा, डिजिटल डिस्प्ले दिखेगा। इधर पावर, मतलब आप थीम चेंज कर सकते हैं, सेटिंग कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे वो भी थोड़ा दिखा देते हैं। ऐसे देखिए इसमें बहुत सारा फीचर्स हैं, आप ऐसे स्क्रॉल करने से आ जाएगा ऊपर से। और इसको एक आपको मोबाइल आप इंस्टॉल करना होगा। ये फायरबोल्ट आप यूज कर रहे हो तो इसको यूज कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है बहुत। मुझे, मैं तो देख दो वीडियो देखा उसके बाद इसको यूज कर पाया। ये आपको ऐसे प्रेस करने से आप थीम चेंज कर सकते हैं, इस टाइप का अलग अलग थीम आप दे सकते हो। सपोज ये थीम आप रखना चाहते हो, इस टाइप का रह जाएगा। तो ये थीम चेंज करने के लिए ऐसे लॉन्ग प्रेस करने के बाद 2 एरो मार्क आ जाएगा, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो थीम। ये थीम अच्छा लग रहा है मुझे। उसके बाद आप बहुत सारा सेटिंग है, आप ये सेटिंग पहले आपको एक मोबाइल पे एक आप इंस्टॉल करना होगा डाफ हिट करके, ये वाला एक आप आपको इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल करके इसके साथ ये जो आपका स्मार्ट वॉच है उसके साथ आपको लिंक करना होगा। इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। आप ये डाफ हिट जो आप देख रहे हो ये आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, तब आप इसका वेदर टाइम सब कुछ एडजस्ट होगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। और आप मोबाइल से भी मॉनिटर कर सकते हो, ये डिस्प्ले चेंज, नया डिस्प्ले ऐड करना, ये सब काम इधर हो जाएगा। इधर आपका देखिए वो आप जो यूज करोगे ये एक्टिव हो जाएगा, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा आपका मोबाइल फोन से। और इसमें मैसेज का नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ये सब भी आप, बहुत सारा फीचर है उसको आप सेट कर पाओगे। तो फाइनली एक स्मार्ट वॉच मिला। अभी स्मार्ट वॉच काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं, अच्छा भी है क्योंकि इसमें शायद कॉलिंग फीचर नहीं है। इसका जो प्रो वर्सन है उसमें कॉलिंग फीचर भी है, आप यूज कर सकते हो। कितना स्टेप डेली वॉक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब आ जाएगा डाटा। स्लीप है उसमें, बाद आपका हार्ट रेट आप मेजर कर पाओगे। उसके साथ साथ आप इधर से चाहो तो फोटो भी खींच सकते हो, आप पेयर कर दोगे अपना मोबाइल को और इधर से आप क्लिक करके फोटो खींच सकते हो। म्यूजिक प्लेयर भी है। उसके साथ साथ आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स था इसमें। हाँ, इसमें आप SPO2, आपका ऑक्सीजन लेवल आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, मैं देखता हूँ ऑक्सीजन लेवल मेजर करके आपको दिखाता हूँ। पहले इसको पहन लेते हैं। देखिए अभी अभी SPO2 जो ऑक्सीजन लेवल मेजर करते हैं। ऑक्सीजन लेवल कोरोना के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर डिवाइस बन गया था। ऑक्सीजन लेवल मतलब मेजर करना, एक SPO2 लेवल, ऑक्सीजन डाउन लेवल कम हो जा रहा था। तो देखिए 98%, और ये कितना रहना चाहिए, ये एरर मार्क कैसे करोगे, तो
तो देखो मैक्सिमम 96 to 99 स्टैंडर्ड रहना चाहिए, और 98 है तो ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक है। इस टाइप का बहुत सारा फीचर इसमें है, मैं आप यूज कर पाओगे और इंस्टेंटली घर बैठे ये सब चीज़ मेजर कर पाओगे। अच्छा है, स्टाइलिश भी है, और आजकल बहुत वैरायटी का मिल रहा है, काफ़ी कॉस्टली भी मिल रहा है। तो ये था फायरबोल्ट, जो फायरबोल्ट यूज कर रहे हो तो कैसे सेटिंग करना है मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या सेटिंग चाहिए, कैसे सेटिंग करना है जिसको सेटिंग नहीं आ रहा है। बाकी ये गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा है, किसी को गिफ्ट कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट कलर का भी अवेलेबल है। बाकी कंपनी क्या है, बोट का है और नॉइज़ का है, बहुत सारा कंपनी का आजकल निकल गया। और अच्छा कॉस्टली देखोगे तो सैमसंग एप्पल का ये सब कॉस्टली आ रहा है, तो वो रेंज आपका है तो उसको भी यूज कर सकते हो, बाकी नॉर्मल यूज के लिए ठीक ही है ये। तो ये था फायरबोल्ट का अनबॉक्सिंग, स्टाइल ये सब देखोगे, डिजाइन सब कुछ सही है और प्राइस के हिसाब से भी सब ठीक ही है। ऑन एन एवरेज रेटिंग देंगे तो ठीक ही, 5 से 4 मिल जाएगा। और इसका चार्जिंग कैसे करोगे, पीछे है ये देखो, ये सेंसर लगा हुआ है, इधर इधर हाथ को जो भी आपका बॉडी को टच करेगा उधर से आप SpO2 ये सब ले मेजर करते रहिए, हाँ, आपका पल्स रेट। और चार्ज करने के लिए इधर है मैग्नेट लगा हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसे पिन जैसा है, ऐसे रखने से ऑटोमेटिक आपको लग जाएगा। और इस साइड को आपको USB मेन लगा, USB कोई भी आपका चार्जर में लगा देना है, नहीं तो लैपटॉप में भी लगा सकते हो, तो ये चार्जिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार चार्ज करने से ये लिखा है कि ये 10 डेज बैटरी बैकअप देता है, पता नहीं 10 डेज देगा कि नहीं, कल तो चार्ज किया हूँ। और ये सब फीचर लिखा हुआ है, क्या क्या फीचर अवेलेबल है, स्मार्ट नोटिफिकेशन आएगा, SpO2 मॉनिटरिंग, 20 स्पोर्ट्स मोड्स है, बहुत सारा है, वेदर अपडेट है, रिमोट कैमरा, बहुत सारे फीचर है। और इसके प्रो वर्सन में भी और भी फीचर है, कॉलिंग मैसेजिंग सब अवेलेबल है इसमें, आप कर सकते हो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। तो ये था ये फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग, और एक वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टिल देन, टेक केयर।